फ्रेंड्स, माई नेम इज़ खुशी। वेलकम टू माई चैनल खुशीज़ हॉबीज़। और फॉर टुडेज वीडियो मैं ड्रॉ करने वाली हूँ डोरेमोन। और हाँ, सॉरी गाइज, बिकॉज मैं आप सबके लिए फ्राइडे को वीडियो पोस्ट करने वाली थी, बट उस दिन हमारे घर पर कुछ रिलेटिव्स आए, सो मैं अब संडे को पोस्ट कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, हम डोरेमोन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो डोरेमोन का हेड बनाने के लिए हमें फर्स्ट चाहिए डी, एंड हम इसे अच्छे से सेट करके रखेंगे। और 0 पॉइंट से लेके 0 पॉइंट तक ही हम यहाँ पे कर्व शेड कर देंगे, शेप कर देंगे। और सेम हम दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे, और 0 पॉइंट पे जो जहाँ पे हमने लाइन छोड़ दी है वहाँ पे 0 पॉइंट पे ही करेंगे। तो लाइक दिस हम इसे अच्छे से सेटल करके फिर हम कर लेंगे। ये हमने प्रॉपरली सर्कल बना लिया है ऐसे, तो हमारा सर्कल ऐसा आया है। और जो एक्स्ट्रा लाइन्स है हम उसे रफ कर रहे हैं। और हम अब यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे रूलर से, तो हम 1.5 सेंटीमीटर तक यहाँ पे डॉट लगा लेंगे, पॉइंट बना लेंगे ऐसे अच्छे से। फिर हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे ऐसे, हम अच्छे से एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इसका मीनिंग ये है कि हमें अपने डोरेमोन का हेड बस यहाँ तक ही रखना है। और अब हम ये स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम ये नीचे की लाइन है जो, उसे रफ कर लेंगे अच्छे से। हम उसे रफ करेंगे ताकि वो दिखे ना। और जो ये छोटी छोटी लाइंस रह गई हैं, हम इसे भी रफ कर लेते हैं ऐसे। अब हम इसके हेड के अंदर भी एक छोटा सा सर्कल और ड्रॉ करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पे डोरेमोन की बेल्ट ड्रॉ करेंगे। और ऐसे हम यहाँ पे बेल्ट ड्रॉ करेंगे। ये हमारी बेल्ट ऑलमोस्ट रेडी है ऐसे, तो हमारी बेल्ट बन गई है। अब हम यहाँ से एक और हाफ सर्कल बनाएंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ पे ऐसे हम करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करेंगे हम ऐसे, हम कि यहाँ पे कर्व शेप करेंगे। दिखाती हूँ ऐसे, हम यहाँ पे ऐसे कर्व शेड करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके बताई है। और अब हम यहाँ पे आइज ड्रॉ करेंगे ऐसे, हम वन आइज ड्रॉ कर लिए। और अब हम ऐसी ही यहाँ पे भी कर लेंगे, तो हमारी दोनों आइज रेडी हैं। और जो ये हमारी लाइन बीच में आ रही थी, मैंने इसको भी अच्छे से रफ कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर भी एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे ऐसे, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे तो दोनों साइड पे। और छोटे सर्कल के अंदर भी एक छोटा सर्कल हम लगा देंगे। आपको दिखाती हूँ प्रॉपरली कि हमने कैसे सर्कल लगाया है ऐसे। अब हम यहाँ पे डोरेमोन की नोज़ बनाएंगे, यहाँ पे छोटा सा सर्कल लगाने के बाद उसमें भी एक छोटा सा सर्कल लगा के हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे रूलर से। और हाँ, अगर आपको लाइन लंबी चाहिए तो आप लंबी भी रख सकते हैं। सो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, और मुझे शॉर्ट में चाहिए, तो जो मेरी लाइन है वो ज़्यादा लॉन्ग होगी, इसलिए मैं बाकी सी जो लाइन है उसे हम रफ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक कर्व लाइन ड्रॉ करूँगी ऐसे। तो अब हम यहाँ पे नीचे माउथ का शेप देंगे ऐसे, देंगे माउथ का शेप। तो दिखाते हैं कैसे। सो ऐसे देंगे हम माउथ का शेप। और जो हमारी ऊपर की लाइन है, मेरी लाइन ज़्यादा ऊपर को हो गई थी, बट मैं फिर मैंने उसे रफ करके अच्छे से थोड़ा नीचे को कर दिया, डाउन कर दिया उसको। और नीचे की शेप हमने ऐसे बना ली। अब हम इसके अंदर टंग ड्रॉ करेंगे, तो हम ऐसे टंग इसकी ड्रॉ कर लेंगे डोरेमोन की। तो अब हम यहाँ पे डोरेमोन इज़ अ कैट, सो हम यहाँ पे उसकी बाल ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है ऐसे, हम बाल ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे बेल बनाएंगे, सो हमें गोल सर्कल लगाएंगे एक। अगर आपको छोटी बेल चाहिए तो आप छोटा भी लगा सकते हो। और हम ये जो लाइन है इसे ऐसे ही रहने देंगे, और इसके नीचे एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
फिर एक नीचे एक और सर्कल लगाने के बाद हम यहाँ पे फिर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो हमारी बेल रेडी है, अब हम यहाँ से डोरेमोन की आर्म ड्रॉ करेंगे। अब हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हम डोरेमोन की आर्म बनाएंगे, डबल बार हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और हमारी आर्म थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है इसलिए हम इसे अच्छे से कर लेंगे और ऐसे कर्व्ड कर लेंगे आगे से। और हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे लाइक डोरेमोन हैंड, बिकॉज डोरेमोन के हैंड ऐसे ही होते हैं। और हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे नीचे को और नीचे से उसे थोड़ा सा कर्व कर लेंगे ऐसे। हमारा कर्व थोड़ा लॉन्ग हो गया इसलिए मैंने इसे रफ कर लिया है। अब हम सेम यहाँ पे भी ऐसे ही स्ट्रेट लाइन से कर लेंगे। तो हम फर्स्ट मैंने यहाँ पे आर्म ड्रॉ कर ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेम टू सेम स्ट्रेट लाइन बना ली है। तो अब हम यहाँ पे डोरेमोन की फीट ड्रॉ करेंगे, पैर ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लाइन लगा लेंगे कि हमें कितने चौड़े हमारे डोरेमोन के जो पैर हैं वो हमें चाहिए। तो मैं ऐसे रख रही हूँ ऐसे। अब हम बीच में से थोड़ा सा हाफ सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे फिर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हम डोरेमोन का फीट बनाएंगे ऐसे। तो मैं आपको फर्स्ट फीट बना के बता देती हूँ कि हम डोरेमोन का फीट कैसे बनाते हैं। ऐसे हम डोरेमोन का फर्स्ट फीट बनाएंगे और सेम हम यहाँ पे भी बना लेंगे। तो हमारे डोरेमोन के पैर रेडी हैं और अब हम यहाँ पे डोरेमोन की पॉकेट बनाएंगे। अब हम यहाँ से वहाँ तक एक थोड़ा हाफ से भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सर्कल सा ड्रॉ करेंगे और स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हम डोरेमोन की पॉकेट ड्रॉ कर लेंगे। और आप देख सकते हो कि ये ज़्यादा ऊपर को हो गया इसलिए हम रफ करने के बाद उसे अच्छे से कर देंगे, अच्छे से उसे अटैच कर लेंगे। तो हमारा डोरेमोन रेडी है, अब हम इसमें कलर करेंगे। तो सॉरी आउटलाइन करेंगे। तो आउटलाइन हम ऐसे फर्स्ट हम आईज से आउटलाइन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट आईज पे कर लिए हैं आउटलाइन एंड ऐसे हम आउटलाइन करेंगे और अंदर भी ऐसे ही अच्छे से केयरफुली हम यहाँ पे आउटलाइन कर लेंगे। फिर हम नोज़ में आउटलाइन कर लेंगे ऐसे। तो अब मैं यहाँ पे सारे पे आपको आउटलाइन करके बताती हूँ। तो हमें ऐसे आउटलाइन करनी है अपने डोरेमोन पे। तो हमारा डोरेमोन पे आउटलाइन हो गया, अब हम कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए जो मुझे शेड चाहिए, फर्स्ट लाइट ब्लू कलर एंड ऑरेंज कलर, येलो एंड रेड। तो हम फर्स्ट आई मीन और स्काई कलर पिक करेंगे और यहाँ पे कलर करेंगे ऐसे। अच्छे से हम यहाँ पे कलर कर लेंगे अच्छे से प्रॉपरली कि हमारा कलर बाहर ना जाए, इसलिए केयरफुली करेंगे ऐसे। अब हम सब में कलर कर लेंगे ऐसे। हमने पूरे पे कलर कर लिया है, अब हमने बेल पे येलो कलर करा है और अच्छे से प्रॉपरली हमने अच्छे से करा है बेल पे येलो कलर। और अब हम रेड कलर लेंगे और यहाँ पे नोज़ में कलर कर लेंगे और हम ऑरेंज कलर लेके यहाँ पे अंदर माउथ में भी कलर करेंगे ऐसे। अच्छा से ऐसे माउथ में कलर कर लेंगे और रेड कलर ही करेंगे, बिकॉज़ अगर हम कोई और कलर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रेड कलर करने के बाद हमने ऑरेंज कलर पिक किया और यहाँ पे टंग में ऑरेंज कलर कर दिया है। सो गाइस, ये रहा हमारा डोरेमोन। अगर आपको मेरा डोरेमोन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय गाइस।